पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के 3 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर डीपीआईआईटी के एडिशनल सेक्रेटरी राजीव सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी 500 करोड़ तक की योजनाओं को इसके दायरे में रखा गया है। जी बिजनेस से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात चल रही थी जिसमें कि एक ही जगह से अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ से चाहे वो रेल रूट से हो चाहे वो रोडवेज से हो पोर्ट्स तक पहुँचाना, मतलब दिक्कत ना हो मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्ट उसका आसान हो ताकि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। जो भी सरकार का उद्देश्य है उसे जॉब क्रिएशन भी एक बड़ा उद्देश्य था। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को लेकर हम 3 साल का जो हमारा सफर रहा है उसको हम कैसे देख रहे हैं या फिर उसको हम अगले 5 साल में कहाँ तक देख रहे हैं? अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब तक मल्टी मॉडल को हम बड़े स्तर पर नहीं सोचेंगे तब तक हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को उस तरह से हम अटैक नहीं कर पाएंगे। तो राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर मल्टी मॉडल पार्क्स बनाए हैं, उसके साथ ही केंद्रीय बहुत से मंत्रालय जो हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है या रेलवेज है या हमारा एक इसमें खुद का ऑर्गेनाइजेशन है डीपीआईटी का, उसको हम एनआईसीडीसी बोलते हैं, जिसको पहले हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जानते थे। इसके लगभग 12 से 15 कॉरिडोर बन रहे हैं या बन चुके हैं, वो भी मल्टी मॉडल हब्स पे काम कर रहे हैं और दिल्ली के आसपास भी, क्योंकि क्या है कि जो उत्तर भारतीय राज्य हैं वो अपने पोर्ट्स से बहुत दूर हैं, सी पोर्ट्स से। तो कोशिश ये की जा रही है चाहे राज्य सरकार के मल्टी मॉडल पार्क्स हों या केंद्रीय मंत्रालयों के, कि उसको अधिक से अधिक कोशिश करके हम रेलवे के जो फ्रेट कॉरिडोर्स हमारे हैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ उनको यूज़ करके और पोर्ट तक सीधे पहुँचें, चाहे उसके लिए हम एक्स्ट्रा हमको थोड़ी सी लाइन भी खींचना पड़े वहाँ पोर्ट तक, रेलवे की लाइन हो या जहाँ पर ज़रूरत हो सड़कें इस तरह से बनाई जाएँ, उस पर काम चल रहा है। कुछ जगहों पर तो ये पार्क्स तैयार भी हो गए हैं और कुछ जगहों पर ये वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता है जिसके कारण हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी।